स्ट्रेस स्ट्रेस जैसी बीमारी से क्या आपको मोटापे जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, या स्ट्रेस से ही हमें शुगर की बीमारी लग सकती है, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस हमें होता क्यों और ऐसे कौन से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो तो हमें ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। जब भी हमें स्ट्रेस होता है किसी भी चीज़ को लेके, जो चीज़ हम चाहते हैं हमें मिलती नहीं है, काफ़ी एंग्जाइटी डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, या आपका काफ़ी कोई क्लोजर आपसे दूर चला जाता है, तो आपको फुल टाइम आपका दिमाग में स्ट्रेस एंग्जाइटी रहती है। तो उस समय आपकी बॉडी 3 हार्मोन्स रिलीज करती है, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल और नॉरएपिनेफ्रिन। आज मैं बात करूंगी कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में। ये कॉर्टिसोल हार्मोन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में। अगर ये बिल्कुल बैलेंस बेसिस पे चले तो आपकी बॉडी की प्रोटीन्स, आपकी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स और आपका मेटाबॉलिक सिस्टम को मैनेज रहता है, यानी कि आपके हर एक वाइटल ऑर्गन्स को कंट्रोल रखता है, बॉडी की फैट सेल्स को नहीं बढ़ने देता, बॉडी का गट सिस्टम हेल्दी रखता है। अगर यही हार्मोन इनरेगुलर हो जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी स्टार्ट हो जाती है, बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, हेडेक जैसी प्रॉब्लम, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से ही आपका डायबिटीज मेलाइटिस शुगर जैसी बीमारी हो जाती है। तो क्या आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं? अगर स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आप कोई रिलैक्सेशन थेरेपीज लीजिए, अपनी डाइट को चेंज कीजिए, एवोकाडो फ्रूट लीजिए, बनानास जरूर लेने हैं और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, फिर देखें आपकी बॉडी पहले जैसी हो जाएगी और आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। तो आज से ही फॉलो करें।